हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं सपना, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आप लोगों का स्वागत करती हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉग सपना में। अभी मैंने आप लोगों को एक स्टाइल दिखाई थी, अभी मैं दूसरी स्टाइल दिखा रही हूँ। मैं पार्ट वन पार्ट टू करके वीडियो, मतलब समझ लीजिए एक एक वीडियो डाउनलोड करूँ, क्योंकि एक वीडियो 15-15 मिनट की हो जा रही है, 10 मिनट की हो जा रही है। तो अगर मैं सारा हेयर स्टाइल एक साथ दिखाने लगूँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर देखने में भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो मैं छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ कौन सा मेरे बाल वैसे के वैसे खुले हैं। और देख सकते हैं आप लोग बड़ी हुई हूँ, और देखो अभी मैंने आप लोग को दिखाया बालों में कर्ली करके, और फिर से मुझे कर्ली करना पड़ेगा। बस मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग को ये दिखाना चाहती हूँ, देखिए दो दिन के बाद भी कंघी करने के बाद भी मेरे बाल कितने अच्छे सुबह सुबह गए। सब लोग बोलते हैं डेली कंघी किया करो आप, डेली कंघी नहीं, मैं डेली नहीं करती हूँ, दो दिन के भी तो करती हूँ। और जब मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाना होता है, वीडियो अपलोड करना होता है, तो मैं आप लोग को वीडियो शूट करना होता है, तो मैं जो है करती हूँ। ऐसा नहीं है इसे कभी कभी टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती तो भी नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो फिर मैं चोटी भी कितनी अच्छी हुई दो दिन कमी करने के बाद भी। लेकिन मेरी चोटी कितनी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। हमेशा आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखा है ना, मतलब जैसे पूरी एचडी वीडियो नहीं आती थी, अब मैंने एचडी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट शायद आप लोगों को अच्छा लगे, तो सबको फुल वीडियो चाहिए होता है, तो वीडियो बना लूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी, छोटा ही बनाऊँगी, क्योंकि कहीं कहीं जब बचते हैं ना तो बालों को थोड़ा सा कम करते हैं, जो मैंने पोनी स्टाइल बनाई ना उसी में थोड़ा छोटे उनको बालों को नहीं। देखिए जो मोटी है बराबर ही, कहीं से भी कुछ भी दिक्कत नहीं आप लोग देख सकते हैं, और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। दो दिन कहीं जूड़ा बना लेंगे तो बाल भी बनता नहीं है, बहुत अच्छे से बनता है। तो लगाऊंगी
देख सकते हैं आप लोग, जो भी अच्छी हुई है बराबर हुई है। रात में मैं खुली ऐसी रात में मैं अपने बालों को ऐसे ही करके सो जाती हूँ जैसे मैंने किया है, और क्या है कि रात में ऐसे करके सो जाती हूँ। सुबह जब उठती हूँ तो काम रहता है करना रहता है, तो मैं झूला बांध देता हूँ, और झूला बांध देती हूँ तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, फिर बाल फंसते नहीं है ना, उलझते हैं। तो आप भी मतलब झूला बना के रखिए, बाल खुले नहीं रखते क्योंकि बाल ख़राब हो जाते हैं, मैंने सुना है, और सच में बाल ख़राब होते हैं। तो आप लोग कहीं जाना आना हो, किसी फंक्शन शादी कहीं भी, तो तब बाल खुले रखिए, कोई हेयर स्टाइल बनाइए कुछ के, लेकिन घर पे नॉर्मली आप लोग, मैं यही बताऊंगी जो मैं करती हूँ नॉर्मली, ये कि अपना बाल जो है जूड़ा बना के रखा करिए, और या तो छोटी बना के रखिए अगर आप संभाल सकते हैं तो। तो बस यही था, मुझे दिखाना था कि दो दिन के बाद ही मैं कंघी कर रही हूँ तो कैसे मैं कर ले रही हूँ, और बाल कितने ज़्यादा उलझ जाते हैं, और कैसे मतलब कितना मैं सुलझा लेती हूँ, मैं वही दिखाना चाहती थी आप लोगों को वीडियो में। बहुत लोगों का होता है ना कि आपके बाल जो है उलझते नहीं हैं, आप अपने बालों से परेशान नहीं होती हैं, बहुत लोगों का कमेंट्स आया है कि अपने बालों से परेशान नहीं होती हैं, मतलब से कंघी करने में आपको गुस्सा नहीं आता है, जब आपके बाल फंसते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है, उलझते हैं आपके बाल तो गुस्सा नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं, मुझे गुस्सा वस्सा नहीं आता क्योंकि मुझे अपने बालों से प्यार है, मैं अपने बालों को संभालना जानती हूँ, मुझे कितने दिन में कंघी करना चाहिए कितने दिन में कंघी नहीं करना चाहिए तो मुझे पता है, तो इसीलिए मैं जो है परेशान नहीं होती हूँ। तो बस यही दिखाने के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि बताइए बताइए इतना बालों को कैसे संभाल लेती हैं, कैसे मैनेज कर लेती हैं, घर का काम भी मैनेज कर लेती हैं और जो है बाल भी संभाल लेती है। तो हाँ, मैं दिक्कत नहीं होती है और मैं गुस्सा नहीं आता है, मेरे बाल फंसते नहीं है, मुझे जब लगता है ना कि मेरे बाल फंसने वाले हैं तो उसके पहले ही मैं कंघी कर लेती हूँ और नॉर्मली कर लेती हूँ, अगर फंस भी जाते हैं तो मुझे उनको सुलझाना आता है, जैसे उलझ जाए मेरे बाल तो मुझे उनको सुलझाना आता है बहुत अच्छी तरह से, और बहुत अच्छी तरह से मैं कोम कर सकती हूँ। थोड़े बहुत बाल टूटेंगे अगर भाई ज़्यादा उलझ जाते हैं तो, बता रही जैसे मैं आपको कि मैं टूटने नहीं देती हूँ, हाँ निकलते हैं, ऐसा नहीं एक दो बाल तो निकलते हैं, कंघी करने में निकलेंगे नहीं है ऐसा नहीं है, अजूबा तो है नहीं मेरा बाल, मेरा बाल भी तो बाल ही है, नेचुरल बाल है, ऐसा नहीं है कि, तो आप सब समझ सकते हैं। तो बस यही बनाने का वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ था, बस और कुछ नहीं था इसमें। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और बहुत लोगों का ये है कि अपनी वीडियो में कुछ खास नहीं है, फिर भी मतलब आपके वीडियो सब लोग देखते हैं, अगर आप लोग को पसंद आता तभी तो आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। हाँ, मेरे बाल ही मेरी जान है, मेरे बाल ही मेरे सब कुछ है, तो मैं अपने बालों का वीडियो बनाती हूँ, तो बस वही और कुछ नहीं है, ब्लॉग भी बनाती हूँ मैं, बस आप लोग से ही रिक्वेस्ट करती रहती हूँ हमेशा कि आप लोग मेरे ब्लॉग को भी सपोर्ट करिए, जो भी बनाती हूँ कॉमेडी थोड़ा सा बनाती हूँ, ब्लॉग भी बनाती हूँ, फैमिली स्टोरी भी शेयर करती हूँ, फैमिली में कुछ हम लोग मस्ती मजाक चलता है तो मैं वो भी शेयर करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपने हेयर का ही वो करती हूँ, आप लोग की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं अपने हेयर पर मतलब वीडियो बनाना शुरू की। एक फर्स्ट टाइम तो पहला वीडियो तो मैं ही डाली थी, बस ऐसे ही डाल दी थी कि देखती हूँ मतलब क्या रिएक्शन आता है, बस इसलिए डाल दिया था, ऐसा कुछ मन में था नहीं कि मेरे बालों को बहुत लोग पसंद करेंगे या मेरे बालों के लिए बहुत लोग वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में, बस मैंने ऐसे डाल दिया। लेकिन जब उस पर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आने लगी, बहुत ज़्यादा लाइक्स आने लगे, तो फिर मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया हेयर पे, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए, सबने कमेंट किए, सबके रिक्वेस्ट भी आने लगे कि ये बनाओ वो बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, वॉश करके दिखाओ, तो मैं करने लगी, तो आप लोग के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बनाना शुरू कर दी हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो अब मैं रात में ऐसे अपने बालों करके सोऊंगी, जूड़ा नहीं बनाऊंगी, रात में थोड़ी मैं जूड़ा बनाती हूँ, दिन में बनाती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए, और लोग का मानना है कि मेरा चल रहा है, बस आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना, मैं तो यही कहूँगी, जैसे जितना हो सकता है मुझे, जो हो सकता है मैं अपने वीडियो में बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ आप लोग को पसंद आए, अच्छी लगे, HD वीडियो हो चाहे लाइट ज़्यादा हो चाहे कुछ भी हो, होता है ना कि लाइट थोड़ा लाइट सो और अच्छे से बनाइए, अंधेरा हो जाता है अच्छे से दिखता नहीं है, आप लाइट कपड़े पहनिए, डार्क कपड़े मत पहनिए, तो मैं सब ट्राई करती हूँ, सब आप लोग के रिक्वेस्ट पर मैं सब ट्राई करती हूँ, कुछ भी मैं ऐसा नहीं छोड़ती हूँ जो कि मतलब आप लोग को कुछ लगे।
तो ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है तो मुझे थोड़ी सी बात करनी थी आप लोगों से, इसलिए मैंने मतलब इतना ही दिखाया आप लोगों को एस्टर और बात करने लगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।